अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ कैरेमल राइस, कैरेट कैरेमल राइस। तो इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या हमें चाहिए। इसमें आपको रेजन्स चाहिए, ये मैंने हाफ कप ये ले ली है और गोल्डन वाली। और इसमें हमें चाहिए ये इलायची का पाउडर है हमारा, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। चाइनीज सॉल्ट है हमारी, ये भी मैंने 1 टी स्पून ये इलायची का पाउडर लिया है। 1 टी स्पून मैंने इसके अंदर चाइनीज सॉल्ट लिया है। 1 टी स्पून भर के ही फुल जो है ना अपना उसको लेवल में करके वो लेनी है काली मिर्चें, ब्लैक पेपर। और इसके अंदर हमने ये शुगर ली है, मैंने 2 टेबल स्पून भर के शुगर ले लिए। और इसमें सॉल्ट है मेरा, सॉल्ट भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। या आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं इसमें सॉल्ट के कितना डालना है, कितना ही डालना, मिर्चों का भी आप अपनी मर्ज़ी से जितना स्पाइसी रखना चाहते हैं उस हिसाब से डाल लें। और चाइनीज़ सॉल्ट कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने डालना है डालना है। और हमें इसमें ऑयल चाहिए होगा। चावल है मेरे 1 kg और कैरेट है मैंने 8 कैरेट बड़े मीडियम साइज़ की 8 कैरेट ले लिए हैं। 8 जो कैरेट्स हैं वो मैंने इसको ऐसे कद्दूकश कर लिया है इनको, तो ये ले लिए हैं। बस ये होता है कि इसको आप लास्ट में कीजिएगा, वरना ये होता है जो कैरेट होती है वो काली होना शुरू हो जाती है, तो बस लास्ट में बिल्कुल इसको आप कद्दूकश कर लें तो आगे बनाना शुरू करते हैं। हाँ जी, ये देखें इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल आप अपने चावलों के हिसाब से डालें, जितना ऑयल चावलों में डालते हैं उतना ही ऑयल डलेगा इसमें भी ना। उसके बाद आप इसे अंदर ये डाल दें चीनी। चीनी डाल के आप इसको ज़रा सा ग्राइंड करें, ब्राउन कलर की करें इसमें। देखें जो चीनी डाल दी हमने, चीनी को 2 मिनट फ्राई करना है आपने इसके अंदर। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर अपनी इलायची डालते हैं। इलायची को 2 मिनट फ्राई करते हैं ताकि उसकी खुशबू जो है वो आ जाए। चीनी को बस ऐसे करना है आपने जैसे कैरेमल की तरह हल्का हल्का सा ज़रा सा गोल्डन होने लग जाएगी। तो हमने इलायची डाल दी है, इलायची डालने के बाद चाइनीज सॉल्ट डाल दिया मैंने इसमें, ये मेरा रेगुलर सॉल्ट है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। मैं अपनी देख के डाल रही हूँ कि चावलों में कितनी ज़रूरत है और मैं खुद चेक कर लेती हूँ बाद टाइम। ये देखिए अब कैरेमल जो है हमारी गोल्डन होने लग गई है। अब इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ किशमिश, किशमिश डाल दिया आपने इसमें। जल्दी से पानी डाल देते हैं थोड़ा सा। कैरेट जो है मेरे पास वो मैं डाल रही हूँ उसके अंदर, थोड़ी सी मैं निकाल रही हूँ गार्निश के लिए, बाकी मैंने सारी इसमें डाल दी। थोड़ी सी मैंने गार्निश के लिए इसमें से निकाल ली, बाकी डाल दी। ब्लैक पेपर चला गया, काली मिर्चें, नमक, घी, मिर्चें, ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से रखते हैं रख सकते हैं। नमक और सॉल्ट और इसमें ब्लैक पेपर आप अपनी चॉइस के हिसाब से। मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मैगी की क्यूब्स हैं, मैगी की क्यूब्स हैं, ये मैं 2 क्यूब्स इसमें डाल रही हूँ। एक मतलब एक पैकेट में 2 होती हैं, दोनों डाल दी मैंने मैगी क्यूब्स इसमें। इसको बस 2 मिनट हम फ्राई करेंगे शाम को अपने, हमारी किशमिश वगैरह सब चीज़ें फ्राई हो जाएंगी।
इसमें पानी डालते हैं। चावल मेरे जो हैं मैंने एक घंटे पहले भिगो दिए थे, 40 मिनट्स पहले चावलों को मैंने सो कर लिया, पानी में भिगो लिया था। अब ये कि आप उसको जो है आप अपने चावलों को देख के डालिएगा कि उसमें कितना पानी डालेगा। भीगे हुए चावलों में कम पानी डलता है और जो आप डायरेक्ट पकाते हैं उनमें ज़्यादा डलता है और पकते भी देर से हैं वो चावल। अब हम चावल डाल देते हैं उसमें। ईजी होते हैं ये रेसिपी, बहुत ईजी है और आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि डिफरेंट है इसका ज़रा टेस्ट भी। अगर ज़ाफ़रान है तो जब आप दम पे लगाएं तो इसके ऊपर ज़रा सा ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। नमक आप चेक करते रहिएगा, मैं इसको कवर कर रही हूँ और 10 मिनट्स बाद मैं दिखाऊंगी आपको। मतलब हमने इसको इतना पकाना है कि 80% जो है हम इसको इसमें कुक कर लें, 20% जो है हम वो इसको स्टीम में कुक करेंगे। तो अभी 80% इसको कुक करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 10 मिनट बाद, आफ्टर 10 मिनट्स बाद जो है ना राइस मेरे ऐसे हो गए हैं कि अब मैं इनको ये 80% तक हमारे कुक हो गए। अब मैं इनको दम पे अगर रखूँगी ना 10 से 15 मिनट के अंदर तो ये डन हो जाएंगे। तो मैं अब इसको 10-15 मिनट्स के लिए स्टीम पे रखती हूँ। 80% कुक डन है ये, अब आखिरी जो बाकी 20% है वो अब इसको हम 10 मिनट्स के लिए इसको रखते हैं। तो 10-15 मिनट्स में कुक हो जाएंगे, लेकिन ये आप अपने राइस पर देखिएगा कि आपके चावलों में कितनी देर लगती है। ठीक है, तो इसको मैं दम पे रखती हूँ। जी हमारे चावल देखें हो गए और अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसको गार्निश करती हूँ। फ्लेम इसका हमने ऑफ कर देते हैं और इसको गार्निश करते हैं, फिर गार्निश करके दिखाती हूँ। जी हमारे देखें मैंने चावल निकाल लिए हैं, इसके ऊपर मैंने गाजर डाल दिए। पहले डाल दिए ऊपर से और ऊपर से रेजन डाल दें थोड़े से ना ये किशमिश। इसमें डालने के बाद इसे आप डिश आउट करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, कैसे लगे चावल। और दुआओं में जी याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।